बात करते हैं अब थर की कोयल की, जिनको शोहरत भी इसी नाम से मिली। उनका नाम असल में तो भाग भरी था, माई भागी के नाम से मशहूर हुई। उनको मद्दाहों से बिछड़े आज 35 बरस तो बीत गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी ऐसा लगता है कि थर के सहराओं से निकलती है और मुल्क के तूल वर्ष तक फैल जाती है। जिला थरपारकर के शहर डिप्लो में पैदा हुई माई भागी की हम बात कर रहे हैं, और उनके नाम का मतलब खुश नसीब था, भाग भरी। माई भागी ने गुलकारी का फन अपनी वालिदा से हासिल किया और फिर क्या कमाल को छुआ। वालिदा के हमरा शादी ब्याह में सहरे और लोक गीतों के जरिए से ही गुलकारी का आगाज किया। गुलकारी से मोहब्बत और कुछ करने के जज्बे की वजह से माई भागी अपने गीतों की शायरी और मौसीकी खुद तरतीब दिया करती थी। पहली बार माई भागी ने रेडियो पाकिस्तान पर खड़ी नीम के नीचे गाया तो उस कदर पसंद किया गया कि उनकी शोहरत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फैल गई। माई भागी के हवाले से हम बात करें तो उनके गाए कलाम हर जगह सुने जाने लगे, हर जगह गाए जाने लगे। कान पर हाथ रखकर कोयल जैसी सुरीली आवाज सुनने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती थी। माई भागी ने मुल्क के मुख्तलिफ आला अवार्ड अपने नाम किए, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको उनकी शानदार फनी खिदमात पर सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। माई भागी 7 जुलाई 1986 को इस जहान फानी से कूच कर गई। माई भागी के गीत आज भी सिंध भर में सुने जाते हैं और वो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। एक बेहतरीन ब्रेन थेरेपी है माई भागी के गीत, और मैं अगर कहूं कि इन्होंने बुनियाद रखी सहराए थर के अंदर कई ऐसे लोगों के सामने आने की। फिर हमने रेशमा को भी सुना, मौजूदा असर हाजिर में माई ढाई को भी सुना, और कई बड़े बड़े फनकार सामने आए। आज उनकी 35वीं बरसी है। अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, बहुत बड़ी फनकारा।